चुकंदर स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक तो है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन हानि भी पहुंचा सकता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, कम मात्रा में प्रोटीन, वसा, विटामिन, मैग्नीशियम होता है। ये चीजें चुकंदर को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बनाती हैं, तो इनके अधिक सेवन से हानि भी होती है। जी हाँ, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर्स का मानना है कि चुकंदर का ज्यादा सेवन मितली, पेट खराब और डायरिया का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, चुकंदर में मौजूद बीटेन नामक तत्व के कारण ऐसा होता है। किडनी की बीमारी पीड़ित लोगों को भी चुकंदर से बचना चाहिए, क्योंकि चुकंदर में मौजूद बीटेन शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देता है। इससे किडनी की पथरी की आशंका भी बढ़ जाती है। वहीं चुकंदर का रस शरीर में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, जो कई बीमारियों को जन्म देता है। इससे हड्डियों से जुड़ी कई सारी बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले लेती हैं। कैल्शियम एक ऐसी जरूरी चीज है जो 30 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आजकल नौजवानों में भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, जिसका एक प्रमुख कारण हो सकता है चुकंदर का ज्यादा सेवन करना। सर्दियों का मौसम आ रहा है और ऐसे में लोग चुकंदर का जूस पीना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये जानकारी हासिल करने के बाद कि चुकंदर खाने से आपके शरीर में मौजूद जो हड्डियां हैं उनमें से ये कैल्शियम को सोख लेता है, तो आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।